दोस्तों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मधुमक्खी पालन के इस कोर्स में एक नए भाग में आपके लिए नई जानकारियां लेकर के आए हैं। दोस्तों विषय की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लें, ताकि आपको सभी जानकारियां समझ में आ सके और विषय को पूर्ण रूप से आप जान सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस को देख सके। साथियों मधुमक्खी पालन इतना गहरा विषय है कि इसे पूरा करना बहुत कठिन काम लगता है। जब भी हम इस विषय को उठाने की कोशिश करते हैं हमें लगता है कि बहुत कुछ छूट जा रहा है, और बहुत ज्यादा अगर डिटेल में किसी चीज की जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो साथियों कुछ न कुछ बीच में रह जाएगा, उन सभी चीजों को हम बाद में पूरा करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से जिन विषयों को जानना चाहिए उन विषयों पर ही बात करेंगे। दोस्तों आज का विषय है रानी मधुमक्खी। मधुमक्खी की एक कॉलोनी के अंदर तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसमें वर्कर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और ड्रोन जो कि नर होता है। ये तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने पिछले भाग में भी बताया था कि किन तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। दोस्तों रानी मधुमक्खी जिसका के मुख्य काम अंडे देना होता है, उसके जीवन काल को समझने के लिए हम उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या काम वो करती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल है वो अंडे से शुरुआत होती है। तो दोस्तों 3 दिन तक अंडा जो है अंडे की शेप में ही रहता है। इसके अलावा 3 दिन के बाद वो एक कीड़े का रूप ले लेती है, जिसको लार्वा बोलते हैं। उसके बाद रानी मधुमक्खी का जो सेल होता है उसका चुनाव वर्कर मधुमक्खियां करती हैं, और उसको वो रॉयल जेली पदार्थ देती हैं, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से विकसित होती है और रानी मधुमक्खी बनती है। दोस्तों वर्कर मधुमक्खी में और रानी मधुमक्खी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वर्कर मधुमक्खी को रॉयल जेली पदार्थ नहीं दिया होता, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, जबकि रानी मधुमक्खी को उसका जो लार्वा होता है उसको रॉयल जेली पदार्थ खिलाया जाता है वर्कर मधुमक्खियों द्वारा, इसी के कारण से वो रानी मधुमक्खी बन पाती है। तो रॉयल जेली एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है, जो कि बहुत जल्दी ग्रोथ करके वर्कर मधुमक्खी को रानी मधुमक्खी में परिवर्तित कर देती है। दोस्तों रानी मधुमक्खी का स्वभाव बहुत ही शर्मीला होता है। जब भी हम उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करती है। दोस्तों इसके बाद लार्वा जो है 8 दिन तक लार्वा की स्टेज में रहता है। उसके बाद मधुमक्खियां जो है लार्वा को बंद कर देती हैं एक सेल के अंदर, जहां पे वो 16 दिनों तक रहती है। तो 16 दिनों तक वो सेल के अंदर रहने के बाद उसमें से रानी मधुमक्खी अपने आप बाहर आ जाती है और ड्रोन के साथ मैटिंग के लिए वो तैयार हो जाती है। और ड्रोन के साथ जो मैटिंग है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर उसको पूरा कर लेती है वो, और उसकी जो मैटिंग है वो हवा में होती है, और जो नर या जो ड्रोन रानी मधुमक्खी के साथ मैटिंग करता है वो तुरंत उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। रानी मधुमक्खी के डंक भी होता है दोस्तों, जो कि दूसरी रानी मधुमक्खी को मारने के लिए ही इस्तेमाल करती है। आमतौर पर एक मधुमक्खी के डिब्बे में या कॉलोनी के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। अगर किसी डिब्बे में 2 रानी मधुमक्खियां हो जाती हैं तो उसमें या तो वो दोनों आपस में लड़ती हैं और जो जीतती है वो राज करती है, या फिर एक रानी मधुमक्खी अपना दूसरा परिवार बना लेती है, वो उड़के बाहर चली जाती है और उसके साथ लगभग आधी मधुमक्खियां अब उसके साथ दूसरा परिवार बना लेती हैं। दोस्तों इसके अलावा रानी मधुमक्खी में एक खास तरह की गंध आती है, जिसकी वजह से वर्कर मधुमक्खियां अपने ही परिवार में प्रवेश कर पाती हैं। वो वर्कर मधुमक्खी किसी दूसरी कॉलोनी में प्रवेश नहीं करती है, या किसी दूसरे परिवार की मधुमक्खी अगर उनमें घुसने की कोशिश करती है तो वो जो गंध होती है रानी मधुमक्खी की उसको वो पहचानती है, और दूसरी रानी मधुमक्खी की जो गंध होती है वो अलग होती है, तो उस परिवार की मधुमक्खी को वो अपने अंदर नहीं घुसने देती, अपने परिवार में शामिल नहीं होने देती। ऐसा करना रानी मधुमक्खियों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पे दूसरे के परिवार में जाना वर्कर मधुमक्खी को मार देता है, यानी आपस में वो लड़ती हैं और जो बाहर से आई होती है उसको मार देती हैं। इसके अलावा दोस्तों रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 अंडे दे सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो हर रोज 2000 अंडे ही देती है। वो इसका डिसीजन खुद लेती है कितने अंडे देने हैं, क्योंकि हर अंडे का जो पालन पोषण करना होता है, अगर मधुमक्खियां कम है तो रानी मधुमक्खी अंडे भी कम देती है, और रानी मधुमक्खी वर्कर के हिसाब से ही अंडे दे पाती है। तो जितने ज्यादा वर्कर होंगे कॉलोनी के अंदर उतने ही ज्यादा अंडे देगी रानी मधुमक्खी, और उतनी ही तेजी से कॉलोनी की ग्रोथ हो पाती है। इसके अलावा रानी मधुमक्खी अपने लिए कोई काम नहीं करती सिवाय अंडे देने के, यहाँ तक कि अपना खाना भी खुद नहीं खा सकती, उसको वर्कर मधुमक्खियां ही खिलाती हैं। इसके अलावा दोस्तों हर
मधुमक्खी का अपना एक सिस्टम होता है, उनकी एक अपनी आंतरिक समझ होती है और आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार वो अपना काम खुद करती हैं। हम उसमें किसी भी प्रकार का दखल नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। हम केवल उनको थोड़ा सा दिशा निर्देशित करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली के छत्ते किस प्रकार से लगे, उनकी साफ सफाई हम कर सके, उनको सही जगह पे रख सके, उनके लिए कुछ सुविधाएं इकट्ठी कर सके, यही काम हमें उनके लिए करना होता है। दोस्तों इसके अलावा हमें उसमें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। और जानवरों की तरह ये जैसे गाय भैंस चराते हैं, उनके लिए चारे का इंतजाम करना होता है, उनका दूध निकालना होता है और बहुत सारी चीजें करनी होती है जिसमें हमें लगातार हर रोज प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। लेकिन मधुमक्खियां अपना हर काम अपने आप करती हैं, हमें उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती, हम केवल उनकी देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट हो या कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है www.beekeepingindia.in, उस पर जाकर के भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सभी वीडियो क्रम से दिखाई देंगे जिनको आप बारी बारी से समझ सकते हो कौन सा वीडियो पहले देखना है, कौन सा वीडियो बाद में देखना है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी हमने हर वीडियो को एक लेसन का नाम दिया है और उसके जितने भी आगे भाग हैं उन सब के बारे में बकायदा लिख करके बताया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर करना ना भूलें और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।